किस लेवल पर इजराइल से जंग लड़ रहा है ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। ये गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इजराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इजराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है? हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला? हमास ने कहा इजराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इजराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो युद्ध के बीच अमन की अपील करने वालों को तमाचा है। शांति की बात करने वाली दुनिया को हमास ने जोर का झटका दिया है। हमास ने खुद उस शांति की चिता जला दी है। हमास के प्रतिनिधि गाजी हमद ने 7 अक्टूबर जैसा भयावह हमला दोहराने की धमकी दी है। गाजी हमद ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अरब और इस्लामिक देशों की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए तबाही जैसा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है, इस जंग की कीमत हमें भी चुकानी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। अपनी जमीन को पाने के लिए हम 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार नहीं कई बार करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका फिलिस्तीन की भूमि पर कोई स्थान नहीं है, इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीनियों की समस्या कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के वजूद को ही नहीं स्वीकार करता, ऐसे में शांति की बात बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ से हमास का यह कहना कि वो 7 अक्टूबर की तरह दूसरा बड़ा हमला भी कर सकता है, तो ऐसे में पूरे इलाके में शांति असंभव दिखती है। हमास का ये अतिवाद ही उसे दुनिया की नजर में खूंखार बनाता है। जो लोग गाजा में हमलों में मारे जा रहे मासूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पचेगी कि इजराइल का समूल नाश हो जाए। हमास मानता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो इजराइल को भी हक है कि वो अपने वजूद की रक्षा करे। अंजाम जो होना है वो अभी हो रहा है। पूरी गाजा पट्टी इस वक्त मौत की धधकती भट्टी में तब्दील हो गई है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा, आतंकी खुद बता रहे हैं कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से जंग में तब तक सीज फायर नहीं हो सकता जब तक हमास का खात्मा न हो जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रिपोस्ट किया, जब हमास इसराइल को मिटाने में लगा हुआ है तो शांति कैसे हो सकती है? हमास के अधिकारी 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने की बात कर रहे हैं। हमारे
हमास इसराइल के बीच खूनी संघर्ष की संपूर्ण गाथा सालों और दशकों पुरानी है। इसराइल अरब देशों के बीच बसा वो देश है जो यहूदी बहुल है। इसराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है, लेकिन इसराइल की स्थापना के साथ ही अब तक किसी भी अरब देश ने इसराइल को बतौर देश मान्यता नहीं दी। अरब देश हमास के साथ खुलकर खड़े हैं और इसराइल हमास को आतंकी संगठन करार देते हुए उसे मिटा देने पर तुला है। हमास खुद को इसराइल के खिलाफ अरब देशों का आलमबरदार मानता है। हमास ने इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अलक्सा फ्लड नाम दिया है। इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अलक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। अलक्सा मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी जॉर्डन के पास है। इस मस्जिद को मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इसराइल पर हमले की शुरुआत के वक्त हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दईफ ने जो कहा था उसे फिर से जरूर सुनना और समझना चाहिए। 7 अक्टूबर का हमला यरूशलम में अलक्सा मस्जिद को इसराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इसराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हमास का इसराइल पर 7 अक्टूबर का हमला भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि इसराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती होती है। सऊदी अरब इसराइल को मान्यता देता है तो बाकी अरब देशों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ईरान, कतर, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और तुर्की जैसे देश इसराइल और सऊदी अरब के बीच किसी भी तरह के संबंधों के खिलाफ खड़े हैं। इसराइल के साथ हमास को दुश्मनी भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हमास मान नहीं रहा है। हमास को अपने जिन हमदर्द देशों से मदद मिलने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी गाजा के आसमान में धुआं धुआं हो गई। फिर भी हमास 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला इसराइल पर करने की धमकी दे रहा है। ये बात दो टूक साफ है कि हमास जितना दम है विरोध कर ले, लेकिन इसराइल हमास के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार साफ साफ शब्दों में कही है। 7 अक्टूबर सुबह करीब 6 बजे हमास का इसराइल पर हमला। हमास के करीब 2500 लड़ाके सीमा पर लगे तारों को तोड़कर इसराइल में दाखिल हुए और आम नागरिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान हमास कई इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। हमास ने उस दिन इसराइल पर 5000 रॉकेट दागने का भी दावा किया था। हमले के कुछ ही देर बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तब से लेकर अब तक 1400 इजरायलियों और 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। हमास के किसी भी दावे में कोई दम नहीं है जब तक अमेरिका और पश्चिमी देश इसराइल के साथ खड़े हैं। इसराइल की ताकत का असर देखिए कि वो यूएन के महासचिव से भी इस्तीफे की मांग करता है। अमेरिका इसराइल की रक्षा के लिए लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक बेड़ा उतारता है। इसराइल इस वक्त किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। जमीनी और हवाई हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने के साथ ही अब इसराइल ने जंग को समुद्र की ओर भी बढ़ा दिया है। हमास के खिलाफ इसराइल की ये आखिरी शपथ है कि जब तक हमास रहेगा इसराइल के अस्तित्व की चुनौती बनी रहेगी। सवाल है अब जब हमास और इसराइल दोनों ही तरफ से बम और बारूद से नीचे कोई बात ही नहीं हो रही, तो यही तय दिख रहा है कि हमास जब तक इसराइल पर हमले करेगा उसका अंजाम युद्ध होगा। मतलब इसराइल युद्ध अभी और भीषण होगा, अभी और भयंकर होगा।